हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माजी सर। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। जो 7.1 एक्सरसाइज है वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। अगर आपने दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में सीख लिया तो आपका 7.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो 7.1 जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ गए तो सोचिए आपके लिए 7.1 एक्सरसाइज जो है वो उसके प्रश्नों का हल करना यानी क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में यानी दूरी सूत्र का। तो जो भी इस चैनल पर अभी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आज का क्लास हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का जो रूल है वो है डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन पे स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन पे स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले से, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। आज इस फॉर्मूले से 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 का आप आराम से सोल्व कर सकते हैं सिर्फ इस फॉर्मूले से। चलिए हम उसका कुछ क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, 2, 3 और 4, 1, ये दो पॉइंट्स हैं, ये और ये। अब इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। 2, 3 जो है ये पहले वाले नंबर को हम लोग एक्स वन मानेंगे, तो एक्स वन क्या हो गया 2, और दूसरे नंबर को वाई वन मानेंगे तो वाई वन हो गया 3। इसमें पहले नंबर को x1, दूसरे नंबर को y1 मानना है, ठीक है। उसी तरह इसमें जो दो पॉइंट नंबर दिए हुए हैं इस पॉइंट पे, पहले वाले को x2 मानना है और दूसरे वाले नंबर को y2 मानना है, यानी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सोल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मैंने अभी ऊपर लिखा है, एक्स टू माइनस एक्स वन पे स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन पे स्क्वायर अंडर रूट। एक्स टू का वैल्यू क्या है 4, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट स्क्वायर पावर 2 है, प्लस का प्लस। वाई टू, तो वाई टू का वैल्यू 1 है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और वाई वन का वैल्यू है 3 स्पेस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 लेस हुआ तो 2 पे स्क्वायर बचा, और 1 में से 3 गया तो माइनस 2 पे स्क्वायर हुआ। 2 पे स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 4 8। अब 8 को फैक्टराइज कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 को फैक्टराइज कर दिए। अब इसमें अंडर रूट में है तो हम पेयर बैठाएंगे, जिसका पेयर हो गया वो बाहर निकल जाएगा, ये 2 के बदले 1 2 लिख देंगे, ये रूट के बाहर आ गया, ये रूट के अंदर रह जाएगा। इसका लास्ट में ले देंगे यूनिट यानी मात्रक, और ये आंसर हमारा हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 2√2 यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग और उसको सोल्व करेंगे इसी तरह से।
अब जो दूसरा प्रश्न हम लोग ले रहे हैं वो है ए बी माइनस ए माइनस बी। इस प्रश्न में यानी इस क्वेश्चन में नंबर का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ अल्फाबेट का यूज किया गया वेरिएबल्स का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसका भी सॉल्यूशन हम उसी तरह करेंगे जैसे अभी किए हैं। पहले वाले नंबर को x1 मानेंगे, ये x1 है, और दूसरे वाले नंबर को y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1, इसमें पहले वाले को x2, दूसरे वाले को y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला सेट करेंगे, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर और y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। अब अंडर रूट x2 का वैल्यू माइनस a है, फिर माइनस x1, x1 का वैल्यू सिर्फ a है स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू माइनस b है, तो माइनस b लिखेंगे, फिर माइनस फॉर्मूले से लिखेंगे, y1 का वैल्यू b है, हम b लिख देंगे। अब अगला क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस ए ए टू ए होता है, तो हम माइनस टू ए लिख देंगे, स्क्वायर भी होगा, प्लस सेम इसी तरह माइनस माइनस प्लस बी बी टू बी होता है, माइनस टू बी लिख देंगे स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, टू ए का स्क्वायर करेंगे तो टू टू जा फोर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा फोर ए पे स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नहीं लिखाएंगे, टू पे स्क्वायर टू टू जा फोर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस माइनस का फिर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा टू टू जा फोर, और बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, फोर और फोर जब मिल जा रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अंडर रूट में जो फोर है इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू टू, अब ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये टू का पेयर बैठ गया है इसीलिए हम इसको बाहर निकाल देंगे, और अंडर रूट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा यूनिट लिख देंगे, ये हमारा अगला प्रश्न का सॉल्यूशन यानी उसका हल ये है, उसका आंसर है टू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके यानी दूरी सूत्र का यूज करके आप 7.1 यानी क्लास 10 का 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके दूसरे प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में भी आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।